तो गाइस पिछले वाले डार्क हीरोज के एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि मैं एक प्रिजन में फंस गया था, जो कि मुझे उस हाइपेरियन नाम के बंदे ने डाला था, जो कि उस वेल्को का भाई था और वो मुझसे नफरत भी करता था। तो जैसे तैसे करके मैं उस प्रिजन से बाहर निकला एंड बाहर निकलने के बाद काफी चुनौती आई जो कि मैं पार कर गया। और इनफैक्ट मुझे हाइपेरियन से भी लड़ना पड़ा जो कि काफी टफ था, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसको लावा में गिरा दिया था। फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे चंकी और सैमुअल मिल जाते जो कि वेल्को के पास ही होते हैं और एकदम सही सलामत रहते ये लोग। और वेल्को इन लोगों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता था बल्कि एक टीम बनाना चाहता था। लेकिन तभी आ जाता है हीरो ब्राइन और खत्म कर देता है वेल्को को, वो भी एक शॉट में। तो अभी कंटिन्यू। तो गाइज मैंने इनको सारी की सारी बातें बता दी वो हीरो ब्राइन के बारे में कि कैसे मैंने उस हीरो ब्राइन को समन किया। यार प्रभु क्या किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे यार मार क्यों रहा है, ये सब मैंने तुम लोग के लिए किया यार, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था मेरे को। देखो ना सैमुअल क्या करता है, कुछ भी किया इसने। तुमने इसको समन करके बहुत बड़ी मुसीबत सर ले ली है, अब इससे कैसे पीछा छुड़ाओगे, ये हमें धोखा भी नहीं सकता। हाँ यार बट ये हमें धोखा नहीं देने वाला, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ क्योंकि इसने हम लोग को 3 विश दिए। हाँ तू बताने वाला था 3 विश, बता जल्दी क्या है ये सब। देख उसने हम लोग को टोटल 3 विश दिए इसने, इसका मतलब हम लोग कुछ भी इससे मांग सकते हैं जो कि ये कर सकता है हमारे लिए। और उसमें से पहली विश मैंने यही मांगी कि तुम लोग को छुड़ाना है। तो इस गधे ने इस वेल्को को मुजरिम समझ के मार दिया उसको। क्या नूब है क्या हीरो ब्राइन? हाँ पता नहीं यार इसका क्या प्रॉब्लम है, इसने जानबूझ के किया या फिर गलती से किया। क्या यार वेल्को को मार दिया, कितना अच्छा बंदा था वो, छोटा हम लोग दोस्त बन चुके थे। और हाँ यार यार क्या हो गया ये। ओके चलो यार अभी छोड़ो ये सब। और रे का क्या करना है, वो हाइपेरियन गया उसको मार रहे हैं अभी तड़पाने, पता नहीं क्या करने गया वो। हाँ चलना चलते यार, पता नहीं हाइपेरियन रे का क्या करेगा। शिट अरे पता नहीं यार, जल्दी से हम रे को ढूंढते हैं। और एक तो क्या कहते हैं वो, एक तो क्या कहते हैं शैंक के साथ काम करता है इसलिए उसके ऊपर बहुत खतरा है। हाँ बट वो पास्ट में करता था, बट वो अभी क्यों उसका बदला ले रहा है। तो ले गए ना, वो उसका जासूस टाइप है, वो कुछ भी सीक्रेट उगल सकता है। तुम्हें रास्ता बताएगा? हाँ मुझे पता है ना, मैं अभी हाइपेरियन के बेस से निकला हूँ और ये हमारे पीछे भी जुगा रहे, भाग जा तू। अरे ज्यादा बोल मत, मार देगा। अरे कुछ नहीं करेगा ये, चल आ जा मेरे पीछे आओ तुम लोग, मैं तुम लोग को लेके जाता हूँ जगह पे। लेकिन हम लोग जा कहाँ पे रहे यार प्रोवाइज? अरे हम लोग जा रहे ढूंढने हाइपेरियन के बेस को, क्यों मुझे लग रहा है कि हाइपेरियन यही कहीं पर होना चाहिए और वो रे भी यही कहीं होगा। बट तू बोल रहा है कि हाइपेरियन ने रे को पकड़ा है? हाँ इसलिए तो देख कैसे भागा था वो नूब जैसा। लेकिन उसको रे के बारे में कैसे पता चला? पता है मेरे को क्या लग रहा है, अभी रे जो है ना वो पहले शैंक का आदमी हुआ करता था, इसलिए उस रे ने है ना उसके फैमिली के साथ काफी अत्याचार किया होगा या फिर टॉर्चर किया रहेगा और काफी बुरे काम किए होंगे, और इसलिए शायद से उसको बदला लेने के लिए उसने रे को पकड़ा है। वही तो मैं सोचूं कि मतलब उसने तो सिर्फ हम दोनों को किडनैप किया है, रे को तो देखा भी नहीं अब तक, और उसने सीधा बोल दिया कि मैं रे को नहीं छोड़ूंगा। हाँ वही उनकी पुरानी दुश्मनी होगी। और संभाल के चलना ठीक है ना जंकी? ओके ओके। ये बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। फिर वो कैसे पता है क्या ही है? अरे क्योंकि मैं यहाँ से आ चुका हूँ एक बार। भाई कुछ करो यार, संभाल के सैमुअल मारो उसको। हाँ सैमुअल थोड़ा पीटो उस बच्चे को। ये ले चल। अरे भाई मर क्यों नहीं रहा? ओके एक मर गया मर गया मर गया मर गया। और हीरोइन मदद करना थोड़ा सा, पागल है क्या? अरे यार चोर है क्या, तो कुछ मदद ही नहीं कर रहा है। और भाई ये भी जाग गया। अरे नहीं ये क्या है मकड़ी, पीछे सैमुअल पीछे देखो, भाग भाग भाग। संभाल के प्रो बॉयज, ऐसे भागने का एक अच्छा रास्ता। ये ले लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। कोने में मत जाना संभाल के। अरे तुम लोग मत लड़ो यार, इधर आओ। इधर किधर किधर? मेरे पीछे आओ। बोलना ऐसे मैं लड़ रहा था आप ही। चल जा इधर ऊपर ऊपर ऊपर। भाई लड़ो मत इनसे, बहुत खतरनाक है। लेकिन मारते है ना, चलना मेरे पास अच्छी शॉट भी अभी। बट तू अभी रे को ढूंढना है कि इनको मारना है। बात तो सही है। सुन थोड़ा खाना देना, खाना ये ले ले ले। और थोड़ा ब्लॉक्स हो तो वो भी दे दे। ये ले ब्लॉक्स ले ले ब्लॉक्स ले। हां दे बस। तो चलो लेट्स गो। तेरे को पता भी है क्या तू कहां जा रहा है? मेरे को तो डर लग रहा है। अरे देख वो पक्का नहीं पता है कहां पर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हाइपेरियन की जगह मुझे पता है क्योंकि मेरे को ये यहीं पर मिला था। ये देखो ये रही वो जगह। वो देख रहे हो कितनी खतरनाक है। संभाल के आना, यहाँ पे गिर सकते हम। हाँ संभाल के एकदम। भाई हीरो ब्राइन तो मजे कर रहा है भाई, उड़ रहा है। बट वो मदद नहीं करेगा हमारी। हीरो ब्राइन की मदद क्यों नहीं मांग लेता फिर? अरे हीरो ब्राइन ऐसे मदद नहीं करेगा क्योंकि वो हमारी विश की बात मानेगा, और हम लोग विश तो ऐसे फालतू में वेस्ट कर नहीं सकते।
इस हम लोग को है ना एकदम संभाल संभाल के ये विश को यूज करना पड़ेगा। ये तो सेकंड विश मांगते है ना, चलना रोता क्या है। अरे हम लोग को अच्छे से यूज करना पड़ेगा विश, समझ रहा है ना। ओके यार गाइस, मैंने अब तक तो इन लोगों को ये तक नहीं बताया कि हीरो ब्रांड के थर्ड विश के बाद वो हमें मारने वाला है। शिट भाई, मैं नहीं बता सकता इन लोग को, वरना भाई क्या भड़कने वाले ये लोग। यार चलना मांगते ना यार, मजा आएगा यार, कुछ भी विश दे रहा है तो अच्छा है ना, उसका फायदा उठा थोड़ा, समझा क्या। अरे भाई ऐसे नहीं मांग सकते, समझ। देख दो ही विश बचा है, हम लोग उसको आराम से यूज करेंगे। ठीक है यार, बट करना यार, मजा आएगा। देख एक विश तो मैंने तुम लोग को बचाने में यूज कर दिया है, अभी और विश मैं ऐसी फेस नहीं कर सकता। ओके शैंक को मरवा दे क्या। नहीं यार, ये मतलब है ना, कोई भी विश मानता नहीं है, मतलब ये जो कर सकता है ना वही विषय मानेगा। ओ, मतलब ये भी शैंक से डरता है ना। हाँ ऑब्वियसली डरता होगा ना। किधर क्या हो पता नहीं यार, चल थोड़ा इधर चलता है, इधर नहीं है हाइपेरियन का बेस। हाइपेरियन और मेलेडे पता यहाँ पर ही हुई थी, और मैंने उसको ना वहां से गिरा दिया था, तो मेरे को भी ऐसा फीलिंग आ रहा है कि है ना रे भी यही कहीं पर हो सकता है। अरे यार रे को तो मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा है। मतलब क्या हुआ क्या था मुझे बताओ, तुम लोग बता भी नहीं रहे हो। अरे हाँ बताया नहीं, देखो ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ। हाँ बताओ। एक्चुअली में हुआ क्या पता है कि देख, हम लोग जैसे जेल से बाहर आए तो वेल्को ने हमको उड़ा के लेके गया वो। हाँ मैंने भी तुम दोनों को ही देखा था उड़ाते हुए। हाँ लेकिन रे को है ना नीचे से कोई तो ऐसा उखाड़ के एक हाइपेर नाम के बंदे ने लेके गया। हाँ वही हाइपेर देख आया था ना हमारे साथ। इसका मतलब तुम दोनों को ये लोग अच्छे से पेशा रहे, लेकिन रे के साथ पता नहीं क्या कर रहे ना वो लोग। क्योंकि रे शैंक का आदमी है, इसलिए उस पे कड़ी नजर रखी जा रही है। हाँ यार वो पास्ट में मतलब शैंक के साथ काम करता था, तो उसने काफी कुछ बुरा काम किया रहेगा, और शायद से हाइपेरियन ने उसको पहचान लिया रहेगा, इसे शायद से उसको कहीं तो कैद करके रखा है। अरे मतलब अभी है ना रे एकदम मतलब उसको मार सकते हैं, कोई भी मार सकता है उसको। मुझे लग रहा है उसको मारेंगे नहीं, उससे ना पूछताछ करी जा रही है, वो भी टॉर्चर करके। ठीक है छोटे छोटे चल चल चलते चल। हाँ चल अभी चलते हैं। अरे पर समझ में नहीं आ रहा, और एक मिनट ये हीरो ब्रांड का ऑफर है ये नहीं दिख रहा कहीं तो नहीं दिख रहा। नहीं रे। अरे सेविल भाई ना यहाँ पर ही तो था, कहाँ गया। हेलो हीरो ब्रांड कहाँ पर चला गया। वो रहा हीरो ब्रांड, मिल गया चंकी इधर आ देख। ओ भाई साहब उधर क्या कर रहा है वो। पता नहीं यार वो तो केव में, वो क्या करना क्या चाहता है वो, पहले तो उसको कभी ऐसे देखा नहीं। ये उसके पीछे मत जाना पहले बोल रहा हूँ। पर तुम लोग उससे डर क्यों रहे हो इतना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अबे नूब हीरो ब्रांड है वो, डरना तो पड़ेगा ना। अरे हाँ यार गाइस, इन लोगों ने मतलब लास्ट टाइम है ना हीरो ब्रांड को उस समय पर देखा था जहाँ पे बहुत खतरनाक था, लेकिन यार अभी खतरनाक नहीं है, तुम लोग को समझना पड़ेगा गाइस। वो सिर्फ मुझे क्या पता, वो तो खतरनाक है। ओके बट ये अभी फिलहाल के लिए नहीं है खतरा। पता नहीं तू इतना भरोसा क्यों कर रहा है उसके ऊपर। हाँ और पता नहीं क्या कर रहे, चलो उसको साथ जाके देखते आ जाओ। चलो ओके ओके कहाँ पे जाना, क्या पता उसको कुछ मिला हो। नीचे चलते हैं ना, ऊपर भी जा रहे। अरे आ ना मेरे पीछे देख, यहाँ से हम लोग ना जा सकते हैं इस माउंटेन के जरिए। चलो लेट्स गो। अरे यार मत कर यार हीरो ब्रांड का विश्वास, उसने वेल्को को मारा है। वेल्को अच्छा बंदा था नू, वो अच्छे बंदे को मार रहा है। अरे बट उसको गलत फहमी हुई है यार, तुम लोग को भी कुछ गलत फहमी हुई लगता है। क्या गलत फहमी, हम लोग सेफ थे, उसको इतना भी नहीं दिखा, उसने मार दिया उसको। क्योंकि मैंने उसको वो दिया था, विश मांगी थी कि तुम लोग को छुड़ा के लेके आए, और इस पागल ने समझा कि वो तुमको कैद करके रखा है। तो वही तो, इसको कुछ पता नहीं क्या होता है ये सब, ये नूब है, उसके साथ नहीं जाते। अरे यार बट अभी जाना पड़ेगा, अभी हम लोग, हमारे पास कुछ चारा नहीं है। आ जाओ गाइस, तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, तुम लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पता है क्या हो गया तेरे को, भरोसा कर रहा है इतना। अरे तुम लोग बस चलो, तुम लोग को समझ में आता रहेगा। यार तू सैमुअल की बात भी नहीं मान रहा है, वो बड़े तेरे से, थोड़ा तो माना कर। ओ ये क्या कर रहा है ये, और ये क्या है, एकदम संभाल के आ जा आ जा आ जा। क्या कर रहा है ये, रुक जा, ये फंसा रहा है हम लोग को। प्रभु गाइस पहले बोल रहा हूँ। अरे नहीं ये शायद हम लोग की मदद कर रहा है, रुको गाइस ये कुछ रास्ता हो सकता है यहाँ पे। क्या है दबाऊ क्या इसको मैं, और ट्राई कर। नहीं दबाऊंगा मैं, नहीं दबाऊंगा। अरे दबाना पता नहीं, ठीक है तू कोई चाल करा दिया मेरे को भाई साहब। अभी तो एलिवेटर है भाई, किसने बनाया ये, एक मिनट हाइपेरियन का तो नहीं है ये। नो यार हो सकता है, मजा आ जाएगा हम लोग को। लेट्स गो। ये क्या हो रहा है, ये कहाँ पर आ गए हम लोग भाई, क्या जगह। ब्रो बॉयज वो देख वहाँ पे रे, अबे व्हाट ये क्या कर रहे हैं अबे, शिट मिल गया। यस क्यों ना बात, भाई ये हीरोइन मदद कर रहा है हमारी, हमें कैसे भी करके रे को बचाना होगा। हाँ हम बचा लेंगे उसको, अब तो हमें उसका रास्ता भी मिल चुका है। चलो चलो चलते, संभाल के क्या करें प्रोवाइज। हम लोग पार्कोर तो यहाँ पे नहीं कर सकते यार, अभी क्या करें। और हीरो ब्रांड कहाँ पे है, हीरो ब्रांड पता नहीं कहाँ पे गायब हो जाता है, लेकिन यार उसने हमारी मदद कर दी, देखा क्या। हाँ बात तो सही है तेरी, देखा
उतना भी बुरा नहीं है। वो बस पहले ना अपनी शेंग की बात मान रहा था, लेकिन अभी वो हमारे कंट्रोल में। ये तो अच्छा है फिर यार, हम उसको अनलिमिटेड टाइम तो यूज कर सकते है। अनलिमिटेड वो काम नहीं आने वाला, सिर्फ 3 ही बार काम आने वाला है। बट पता नहीं इसने क्यों अभी मदद की, ये तो मुझे भी पता नहीं चल रहा। तो फिर से रिस्पॉन्ड कर देंगे, टेंशन क्या ले रहा है? अरे यार ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। अरे गाइस, इन लोगों को नहीं पता 3 विशेष क्या हो। चुप के कुछ बोलना, करेंगे ना मजा आएगा। हम लोग भी पावरफुल हो चुके, शैंक को भी फोड़ेंगे, मजा है। अच्छा चल, ये सब बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको छुड़ा दे चल। यस यस, उसके आजू बाजू कोई दिख तो नहीं रहा है, अकेला बैठा है बेचारा। हाँ तो फिर हम सेफ है एकदम। और अभी हम लोग को शायद पार्कोर करना पड़ेगा। एक यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, चल आ जा। ये क्या है? ओह शिट, पार्कोर खुल गया। चल चल चलते आ जा। शिट, ए क्यों पार्कोर मत कर नूब। अरे आना जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी आ जा। सैमी उसको बोलो रोबोट ऐसे मत जाओ। क्यों क्या हुआ? अरे आओ ना जल्दी। अरे चलो ना बचाते ना, जल्दी जल्दी बचाना ना, क्या कर रहे हो? जल्दी आओ पीछे पीछे। अरे ब्लॉक प्लेस करके आते ना, कहता रिस्क क्यों ले रहा है तू? ब्लॉक प्लेस करके आ सकते, ये देख। अबे मैं फालतू में क्या कर रहा हूँ मैं भी? यस यार नूब है तू, ब्लॉक प्लेस कर क्या। ओके ठीक है चलो आ जाओ तुम लोग। ठीक है चलो चलो चलो। यस ये रहा रे। यार बेचारा रे, ये भी कैसा बंदा हुआ है देख। वही ना, पता नहीं क्या कर रही इसके साथ। अरे भाई कितनी गर्मी हो रही होगी उसको। चल प्रभु जल्दी से इसको निकालते यार। ये कुछ बोल रहा है, जाग रहा है। यस रे देख हम लोग आ गए। यस तेरे लिए अभी तुम लोग भी यहां पे आ गए मरने की इतनी जल्दी। व्हाट प्रभु जी, तो वही है हाइपेरियन है। हाँ हाइपेरियन बेटा, क्यों कर रही है यहाँ उसके साथ? ये अकेला भी तरफ तरफ के मरने वाला था, अब चलो तुम भी मरो इसके साथ। पटेली मार मार समझा ना, देखो फोड़ूंगा। हाँ हम 3 हैं और तू 1 ही है, समझा ना। बच्चो तुमको मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है। चलो ऐसे में अच्छा ही हुआ, एक साथ सारा काम खत्म कर दूंगा। एक एक करके ऐसे मौत दूंगा कि तुम्हारी रुकावट नहीं है। खड़े क्या हो, आओ दिखाओ तुम्हारी ताकत। हिम्मत है तो आना लड़ना हमसे, फिर आना। वो ये ले भाई, आज लड़ाई करना है। चल ये ले भाई। चुपचाप छोड़ दे रेगो, वरना बहुत पिटाई होगी आज। तुम मरने वाला है बेटा, वो तो पता चल ही जाएगा। ये बोल रहा हूं, हमने तेरे को वार्न किया था, अभी मर। अब इसको मारने पड़ेगा गाइस। चल ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं इसको ना पहले भी हरा चुका हूँ। क्या बात है, इसको तू बस डिक करने मत देना। ओ और भाई जीत पक्की है। यस उसको लावा में पटक के मार। यस लेट्स गो, मार मार मार, जितना मार सकते मार। लेट्स गो। यस नहीं नहीं भाग रहा है। अरे अरे भागने मत दे, इसको भागने देंगे ही नहीं आज हम लोग। ये मर क्यों नहीं रहा प्रभु जी, इतना क्या ताकतवर है। अरे अरे हीरोइन में हमारी मदद नहीं कर रहा है। चल बेटे मार, वैसे भी मदद तो नहीं करने वाला। वैसे भी मारो सैमी, मारो। अरे रुक कोई भाग रही है। भागने नहीं देना है कैसे भी करके। अभी रुक रुक, ये यूज कर रहे हो, भाग। अरे यार भाग गया यार। अरे शेट, अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे अब कैसे छुड़ाएंगे इसको? अरे यार एटलीस्ट वो भाग गया तो हमारे पास टाइम है, थोड़ा रुक जा, डर गया बेचारा। चलो अभी रे को छुड़ा। हाँ चल। अभी माइनिंग फटिक लगा हुआ है। नहीं नहीं यार तोड़ नहीं पा रहा हूँ। शेट कैसे हटा माइनिंग फटिक को यार, कुछ तो हेल्प करना हीरो ब्राइन। बैठ है बस देख रहा है हम लोग को। अटैक नहीं करते हम लोग उसको, शायद ही कुछ तो कहना चाहता है हम लोग। नहीं, नहीं, नहीं मारेगा हम लोग को, ये मारेगा मारेगा। तुम लोग 3 लोगों करके तो मेरे पे भारी पड़ जा रहे हो, बट ऐसा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस तुम सब यहाँ पे मरने वाले हो। अकेले आना, डरता है क्या? अरे यार अरे नहीं, गायब हो गया। अभी इसने सच बोला, हम लोग ऐसे इसको नहीं तोड़ सकते, इसको निकाल नहीं सकते, उसको ही पता होगा कैसे करना ये। अरे यार हमको नहीं जाने देना चाहिए था, उसको मार देना चाहिए था। तोड़ेगा ये? अरे ये नहीं करेगा हमारी हेल्प कुछ भी। विश मांगना क्या कर रहा है? अरे विश नहीं मांग सकते यार, अभी सेकंड विश नहीं मांग सकते। मांग सकते है, तू मांग, मैं मांगता हूँ। नहीं तू नहीं मांग सकती, मैं मांग सकता हूँ। प्लीज मांगना। अरे सर नहीं कर सकते, कुछ तो छुपा रहा है। अरे मैं कुछ नहीं छुपा रहा यार, कर ही नहीं रहा। हमें इसका सही समय आने का वेट करना होगा। इसे तोड़ने का कोई ना कोई तो तरीका होगा, हमें थोड़ा यहाँ पे ढूंढना होगा। हाँ यार कुछ ना कुछ तो वे होगा, ये ऐसे तो नहीं बना सकता कि ये हमेशा हमेशा के लिए बंद रहे। कैसे क्या करे यार? अरे कुछ तो होगा ना यार तरीका। कुछ तो तरीका रहेगा आस पास, बचाओ मुझे यार, मैं ज्यादा टाइम नहीं रह सकते यहाँ पे। अरे बस थोड़ा सा और वेट कर ले हम लोग, तू कैसे भी करके बचा करेंगे यार, तू टेंशन मत ले। यस जल्दी जल्दी। अरे यार कुछ तो कर देना। रे 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 तुझे कुछ तो पता होगा ना, उसने देखो यहाँ पे कैसे लाया, लाइक देखो कुछ तो पता होना चाहिए यहाँ का।
थोड़ी सी हम लोग को मदद कर जिससे कि हम लोग तुझे निकाल पाया से। मुझे नहीं पता कुछ, पता रहता तो मैं भी बता दिया रहता। पर प्रोबोलिस हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, ये कुछ ही मिनटों में जगह पूरी तबाह हो जाएगी, हम सब मारे जाएंगे। जगह तबाह होने वाली गाइस, शिट, अबे शिट क्या, भागना होगा यहाँ से कैसे? कौन सी जगह, ये पूरी जगह? हाँ शायद हाइपेरी ने कुछ ऐसे ही है जिससे कि पूरी जगह तबाह हो जाएगी। अरे यार, और ये हम लोग कुछ सबको मार देगा। अरे ऐसे मत बोल यार, कुछ तो बटन होगा जिससे खुलेगा लग रहा है। अरे हाँ गाइस देखते, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिलेगा ना यार। रे अगर तेरे को कुछ भी पता है तू बता दे प्लीज, चुप मत बैठना। मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ। हाँ सोचो सोचो। रोबोट मुझे यहाँ पे कुछ तो बटन दिख रहा है। क्या क्या बोल रहे हो शामिल? व्हाट, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे मुझे कुछ तो बटन सेंस हो रहा है। एक मिनट इसको बंद करो पहले, बटन वटन है क्या अंदर? वेट, छुपा के रखा है क्या? यस बटन था, क्या हो रहा है? ये क्या है? शिट, ये क्या है भाई? बटन से ये क्या निकला? ओ भाई कोई टाइम मशीन है क्या ये? क्या है क्या ये? ओ भाई सैमुअल क्या ढूंढ के निकाला है यार, पता नहीं क्या है। अरे प्रोबोस देख, जल्दी देख, शायद उससे कुछ हो जाएगा, मैं शायद यहाँ से निकल जाऊंगा। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो हमें पासवर्ड दबाना है, राइट वाला वो भी। यार ये कैसे करेंगे अभी? सब ऑन कर देते। नहीं भाई कुछ भी मत दबा, क्या होता कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे ढूंढेंगे यार, कुछ सोच रहे थे सैमुअल? और मेरे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि उसने बोला ना कि सब कुछ मतलब तबाह होने वाला है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी से ढूंढना होगा। ओके यार कैसे? जल्दी करो जल्दी। यार जल्दी करते हैं। रे तू कुछ भी याद आ रहा है ना तो फिर बता दे, यही मौका है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार इसको भी कुछ याद नहीं है तो कैसे हम लोग बाहर निकालेंगे? कुछ तो एक बार दिमाग में जोड़ डालो। नहीं प्रोबोस यार नहीं याद आ रहा, हाइपेरियन बस मुझे यहाँ पे घर सीट के लेके आया, मुझे बहुत मारा और ऐसे लटका दिया। अरे यार, और फिर उसने, एक सेकंड, मैंने उसके हाथ में कुछ तो देखा था। क्या देखा था? याद करो याद। कर रहा हूँ याद, सोच दे प्रोबोस। हाँ कर सकते हो। मुझे उसके हाथ में कुछ तो नंबर दिख रहा था। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। 4153 4 1 5 3 4 4 1 5 3 4 4 1 5 3 4। ओके 4 1 5 3 4 पक्का ना? हाँ। 4 कहाँ पे? ये रहा 4 1 5। और एक मिनट, तू तो 4 बोला था बट यहाँ पे तो 2 ही बचा है। अरे यार इतना प्रेशर सर पे, अब एक सेकंड प्रूव कर। क्या हुआ? 4 1 5 3 2 ये करेक्ट है। ओ 3 और 2 है। ओके हो गया, कुछ हुआ क्या इससे? ये क्या है? नीचे कुछ तो आ गया है। ये नीचे बटन है। ओ दबाओ। चल दबाते क्या इसको? ये रोक, से कुछ हो जाएगा, शायद फुट जाएगा, ये शायद हाइपेरियन का प्लान है। नहीं यार ऐसा तो नहीं लगता मुझे, क्या लगता है सैमुअल? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है, हमें दबाना ही होगा। चल दबा के देखते हैं, लेट्स सी क्या। कुछ तो हो रहा है। ओ अभी क्या है? ग्लास को तोड़ दिया इसने। व्हाट, कहाँ पे? अभी नीचे जा रहे हैं वापस। ओ थोड़ा सा तोड़ दिया। यस भाई, आ सकता है। एक मिनट मेरे पास ये भी है, जंगल ट्रैप है, ये देखो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। अबे लावा में कैसे जाएगा? यहाँ से हम लोग लगाते हैं ना ब्लॉक्स, हम लोग प्लेस कर सकते हैं, याद है? ओ लेट्स गो, आ जाओ। यस आ गए, जल्दी आ जाओ तुम लोग, जल्दी। इसको छुड़ा के हम लोग बाहर खड़े। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलो यार इसको भी छुड़ाते हैं। लेट्स गो। हो गया। यस लेट्स गो। रे हो गया, उतर गया। नाइस, फाइनली। प्रोबोस बाहर आ जा। हाँ बाहर आ रहे। एक काम कर, वो ट्रैप डोर मुझे दे तोड़ के। अरे नहीं मैं तोड़ नहीं पाऊंगा ट्रैप डोर को। अरे हाँ हम लोग बाहर कैसे है अभी? शिट, नहीं फंस गए हम लोग। अरे रुको ना आप, रुको, कुछ है क्या तेरे पास? अरे ट्रैप डोर टूटता नहीं है, एक मिनट मैं बना लेता हूँ ना, मेरे पास है। हाँ सबसे पहले बना दे फटाफट। ये ले, बन गया। नाइस, दे जल्दी दे इस होल के अंदर से। ये ले, थोड़ा और दूर फेंक। अरे फेंक ना जल्दी, ये लेना। अरे ब्लास्ट होने वाली जगह, जल्दी फेंक। चल आ जा। यस अच्छा लग रहा है, लेट्स गो। Yes, finally. कितना अच्छा लग रहा होगा रेगो भाई, कब से तड़प रहा था अंदर। मैं अब जान में जान आई। अरे प्रोबोस सबसे पहले तो ऐसे निकल दे, पूरी जगह तबाह होने वाली है। अरे हाँ गाइस चलो
अभी शेक हो रहा है, अभी लगता है फूटने वाले ही जगह है। जल्दी 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 संभाल के चलो चलो चलो। ओह शिट शिट, चलो भागो भागो, जल्दी फटने वाला है। ओह शिट, ब्लास्ट हो रहा है। भाई भागो भागो भागो, इससे पहले कि पूरा तबाह हो जाए। चल जल्दी, ओ यार भागो यार, पकड़ लिया मुझे। ओह शिट, जल्दी यहां पे देखो, संभाल संभाल के वहां पे। ओके रे, संभाल के आना, मरना मत। हां यार, कोई मत मरना प्लीज, इतना मुश्किल से हम लोग बाहर निकले आए ब्रेन के हाथों से। धन्यवाद तुम लोग का, तुम लोग ने मुझे बचा लिया। आज अगर नहीं आते तो तुम लोग, मैं मर जाता था। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम है ना, हमें जब तक आपको कुछ नहीं होगा। हमने वादा भी किया था, याद है ना? यस, मैंने वादा किया था कि तुमको मरने भरोसा है मुझे तुम लोग पे, भरोसा है। वैसे यार मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब कैसे, मतलब ये लोग आपको लेके कैसे गए उस प्रिजन से? अरे मैं वो प्रिजन में था, हाइपेरियन आया पीछे से, मेरा पूरा शरीर चकेड़ा उसने, जमीन के अंदर पूरा लेते गया, और फिर मेरे जब भी मेरा आँख खुला मैं प्रिजन में था। ओ भाई, बहुत टॉर्चर किया है उसने मुझे, बहुत टॉर्चर किया है। मुझे लगता है कि तू शैंक के साथ काम करता है ना, इसलिए सब हो रहा है। हाँ यार, करता था जंकी, अभी नहीं करता हूँ। लेकिन तेरे तेरे सर पे वो दाग रह चुका है कि तू शैंक के साथ काम करता है। हाँ मुझे पता है, मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए, मेरे सर के ऊपर एक थप्पा लग गया है, पर अब मैं वैसा नहीं रहा हूँ, और कोई समझने के लिए तैयार भी नहीं है। हाँ यार, वैसे इसकी बात तो सही है, ये बदलना चाहता है। मैंने जो भी बुरा काम किया है उसका मैं प्रायश्चित करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, अभी हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे ये सब। और अभी चलो आ जाओ मेरे पीछे पीछे, अभी यहाँ से निकलते कैसे भी करके, वरना अगर हाइपेरियन आ गया ना तो समझो गए काम से हम लोग। हाइपेरियन अभी नहीं आएगा, वो डर चुका है। हाँ वो भी है, क्योंकि हम लोग है ना चार लोग है, उसको आराम से मसल सकते हैं। और यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये रे के गले में ये क्यों नहीं है, सांप क्यों नहीं इसका? ओ हाँ, ओए इसका आंसर है मेरे पास, और मुझे सैमुअल और अच्छी तरीके से इसमें समझ सकता है। अभी जैसे कि तुम लोग को पता है, हम दोनों जादू यूज करते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से सैमुअल भी बहुत कमजोर हो चुका है। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, इसलिए हम लोग अपनी पावरफुल पोटेंशियल्स भी यूज नहीं कर पा रहे। अभी मेरा जो सांप था वो भी एक जादू था, और अब जब मेरे में ताकत ही नहीं है तो मैं कहां से लाऊंगा जादू, और ना ही सैमुअल भी ला पाएगा। क्यों सैमुअल? तुम्हारी बात बिल्कुल बराबर है, ये बात चल रही है वही, इसलिए सैमुअल अभी ना, सैमुअल ना मैं ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हम लोग बहुत कमजोर है, हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए ताकि हम लोग हील हो पाए। आगे ये लोगों में बहुत रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि ये लोग 24 घंटे हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारी मदद करने की ट्राई कर रहे हैं, इसलिए लोग को अपनी मैजिक को रिजनरेट करने का मौका ही नहीं मिल रहा। इसलिए आगे सब ये जंकी, हमें इनकी ज्यादा हेल्प नहीं लेनी है, हमें खुद से कुछ करना होगा। ठीक है, यस, हमें एकदम स्ट्रांग बनना होगा। हाँ बस कुछ समय की बात है, फिर हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। यस यस, सही बोल रहे सैमुअल मेरे भाई। चलो गाइस अभी चलते हैं। चलो चलो अभी। ओके, और वेट, अभी हीरोइन मुझे नजर नहीं आ रहा, गई वो कहाँ गया? अरे हाँ, कहाँ पे गया वो? यही भी था ना? यस। यार पता नहीं यार उसका क्या चलता रहता है। वैसे तो अभी छोड़ो, हम लोग को अभी यहाँ से निकलना है कैसे भी करके। अरे प्रोबस प्रोबस, क्या हुआ? मुझे एक सवाल पूछना था। क्या सवाल पूछना? ये हीरोइन क्या कर रहा है यहाँ पे, बताया नहीं तूने अभी तक, जिंदा कैसे हो गया? अरे हाँ, इसको तो बताया नहीं। अरे हाँ लॉल, बता इसको सब, बता बता। अरे प्रोबोस, ये नहीं कर रहा था तुझे, अब पता है किस मुसीबत में फंस गए। अरे बट मेरे पास कोई चारा नहीं था यार, समझ नहीं रहा है कोई भी। अरे यार मेरे पास बस एक यही रास्ता था जिससे कि मैं तुम लोग को बचा सकता था, और ये वर्क भी कर गया। मुझे नहीं लगता ये हीरोइन हम लोग को छोड़ने वाला है। हाँ रे सही बोल रहा है, हीरोइन शैंक के साथ मिला हुआ हो सकता है और हमारी जासूसी कर रहा होगा। हाँ ये हो सकता है। प्रोबोस, हमें उसको मारने का कोई तरीका निकालना होगा। हाँ तुम लोग की बात सही है, लेकिन देखो अभी अभी फिलहाल के लिए वो बिल्कुल भी खतरा नहीं है हमारा, क्योंकि मैंने उसे समन किया है, वो उसने मुझे को 3 ग्रांट किए, तो वो 3 का पूरा फायदा उठाना है, समझ रहे हो? फिर 3 के बाद क्या होगा? 3 के बाद कुछ नहीं होगा, वो चला जाएगा, अपना काम करेगा। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो हीरो ब्राइन है, मैं उससे बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा प्रोबोस। हाँ यार ये भी है, बट तुम लोग टेंशन मत लो, मैं एकदम सेफ रहूंगा और तुम लोगों को भी सेफ ही रखूंगा। ओके ओके, लेट्स गो। चलो चलो। और यस फाइनली हम लोग आ गए, हम आजाद है अभी। भाई कितना अच्छा लग रहा है ये फूलों को देख के।
यस आजाद पंछी की तरह फील हो रहा है। हाँ यार मजा आ गया एकदम। फाइनली हम सब आजाद हो गए, कब से प्रिजन में पड़े थे। हाँ यार कितना अच्छा लग रहा है, हम सब साथ आ गए एक साथ, कितना मस्त लग रहा है ना। मुझे तो केनी की याद आ रही है। अरे यार केनी वो तो अभी भी कोमा में है। हाँ यार लेकिन चल जाके चेक करते ना। हाँ यार चलो अभी जाके उसको चेक करना पड़ेगा है ना। अरे हाँ चलते चलते लेट नहीं करते। हाँ चलो चलो गाइस। और साइंटिस्ट कहाँ पे? अरे यार वो जगह भी ढूंढना पड़ेगा। सैमुअल क्या तुम्हारे पास थोड़ी पावर बची है जिससे कि हम लोग ये टेलीपोर्ट कर सके? हाँ मैं कर सकता हूँ। ओके आ जाओ। 3 2 1 उन्हें ये किसान मैजिक है। ओके आ गए लेट्स गो। कितना अच्छा लग रहा है। ये जगह है हमारी साइंटिस्ट की और एक तरह का सीक्रेट बेस कह सकते हो जहाँ पे हम लोग आया करते हैं बार बार। चल 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 राजा नीचे चलते हैं। साइंटिस्ट हमारा एकदम खतरनाक वाला दोस्त है जो कि हमारी बहुत हेल्प करता है। तो चल आजा चल नीचे चलना। ओके यहाँ पे ही साइंटिस्ट लेट्स गो। हमारे वेट कर रहा था लगता है। फाइनली यू गाइस केम। हाँ हम लोग आ गए ना एकदम सही सलामत। व्हाट हैपेंड एंड हु इज दिस गाय? चैट पे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर रहा मेरे सामने। अरे रे ये बात नहीं करता है, सिर्फ चैटिंग में बात करता है। ये सिर्फ चैट कर सकता है और बस हमारी बात सुन भी सकता है। व्हाट ये सुन सकता है? ये कब हुआ? अरे तुझे नहीं? अरे हाँ इसको नहीं पता। सैमुअल को भी नहीं पता क्या है ये? तुम लोगों को पता है अभी ये बंदा है ना सारी सारी बात सुन सकता है हमारी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब चीजें आसान हो जाएंगी। हाँ तू ये बोल भी सकता है क्या? नहीं ये बोल नहीं सकता, ये बस हमें टेक्स्ट में लिखेगा। ऐसा क्या यार बोलना चाहिए ना, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी। बोलना सीखो भाई बोलना सीखो। तो चलो गाइस इसको सारी की सारी बात बताते हैं कि क्या क्या हुआ और अभी क्या क्या चल रहा है। तो गाइस मैंने साइंटिस्ट को ना सब कुछ बता दिया है और इसका पता है क्या कहना है कि हम लोग को ना अभी हीरोइन से थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा और जो दो बाकी है ना हम लोग के पास उसको भी एकदम सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। लाइक उसको इस तरह से यूज करना है कि उससे हमारा फायदा भी हो जाए और किसी की जान भी ना जाए। हाँ यार बेचारा देखना वेलको भी मर गया। हाँ बेचारा बट क्या कर सकते हैं, के नसीब में मरना ही लिखा था। अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि ना ऐसा हालत अभी किसका भी ना हो। यस हाँ नहीं होगा नहीं होगा। तो अब चलो ना गाइस सोचते हैं कि हम लोग उससे सेकंड विश क्या मांग सकते हैं। हाँ यार सोचते हैं चल 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 मजा आएगा यार, बहुत पावरफुल, हम लोग उससे कुछ भी करवा सकते हैं ना। नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं करवा सकते बट काफी कुछ करवा सकते हैं। एक चीज तो है ब्रो बॉयज, शायद ने मुझे आज तक बताया नहीं हीरो ब्रांड की 3 विश के बारे में, शायद ये सब छुपा के रखा था उसने। वही शायद जो भी उसे समन करता है ना उसी को ये बात पता होती है। तो भाई सुना मेरे को एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया? क्या हो अगर हम हीरो ब्राइन से ना इमॉर्टल होने की ताकत मांगे और हमें अनलिमिटेड शक्तियाँ दे दे मजा आएगा ना? यार ये वो विश नहीं कर सकता यार, इमॉर्टल नहीं बना सकता वो। क्यों यार? और शक्तियाँ भी नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से एक चीज पूछ सकते हैं उसे, क्या मेरी फैमिली को जिंदा कर सकता है, शायद कुछ काम आ जाए हमारे। फैमिली को जिंदा? सैमुअल ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। ओह ऐसा क्या? एक मिनट, अगर हम किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते लेकिन किसी जिंदा बंदे को तो जिंदा कर सकते ना? क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ मेरे भी समझ नहीं आ रहा। अरे मेरा मतलब है केनी, केनी मरा नहीं है वो एक कोमा में। तुम लोग अगर ऐसी विश मांगे कि उसको जिंदा कर दे तो फिर तो मजा आ जाएगा है ना, वो जिंदा हो जाएगा है ना सैमुअल, ये पॉसिबल है क्या? हाँ अगर केनी उसमें आ गया तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा सबका। हाँ यार हम लोग कर देते ये, कितना मजा आएगा, केनी के पास काफी पावर है। यस यार केनी मतलब सैमुअल का बेटा था जिसकी बात। हाँ यस आ जाओ तुम लोग को मैं केनी से मिलवाता हूँ। आ जाओ देखो ये रहा केनी अपना बेचारा कोमा में। ओ ये केनी है। सैमुअल बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे बेटे के लिए बट हम लोग उसे अभी बचा के जरूर रहेंगे, कोमा से जरूर बाहर निकलेगा। शुक्रिया, क्या करूं मेरी किस्मत ही खराब है, ये सब जेनेसिस की वजह से हुआ है। हाँ यार बट क्या करूं वो भी बेचारा अभी मर गया है। हाँ यार रे तो तू तो बहुत अच्छा दोस्त था ना जेनेसिस का। हाँ था तो सही पर बहुत समय हो गया था उससे बातचीत बंद हो गया था हमारा, पहले वो वैसा नहीं था, जैसे उसे बेडरॉक के अंदर डाला वो समझने लगा सारी चीजें, मेरे जैसा हालत हुआ उसका भी, पहले मैं भी बूढ़ा था, धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आया मुझे। केनी तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मिलके सबका बदला लेंगे। चलो यार अभी बंद करते इसको क्योंकि इसको प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है। यस, आ जाओ चलो ऊपर आ जाओ। ओके गाइस चलो आ जाओ। और अभी ये सोचते हैं कि हीरो ब्राइन से अभी विश मांगे कि नहीं, मतलब कैसा विश मांगे, लाइक वो ठीक कर भी पाएगा उसे, क्या लगता है तुम लोग को? मुझे एक बात बताओ। हाँ बोलो। केनी जेनेसिस के वजह से कोमा में गया बरोबर? हाँ हाँ बिल्कुल।
तो उसे कौन सा टाइप का पावर यूज किया था किसी को कुछ पता है? नहीं यार, ये तो हम लोग को पता नहीं है। सैमुअल आपको पता है क्या? क्योंकि मुझे उसके सारे तोड़ पता है तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या बोल रहे हो? छुपा के रखता है। तुम बहुत हेल्प कर सकते हो हमारी। हाँ यार, इसको सारे तोड़ पता है तो फिर बताओ ना भाई, कैसे ठीक करना है उनको। हाँ बता, पर मुझे बताओ तो सही, पहले कौन सा पावर यूज किया था उसने? तुम्हें याद है जेनेसिस की पावर है कि वो किसी के भी माइंड में जाती, किसी को भी कंट्रोल कर सकता। हाँ, वो क्या करता है कि हमारे ड्रीम में आता है और हमारी बॉडी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है। लेकिन जब जेनेसिस आजाद हुआ उसने कैनी का कंट्रोल छोड़ दिया और उसकी वजह से कैनी का ब्रेन डैमेज हो चुका है। यस हाँ, सही कहा, सही कहा। दिमाग में असर पड़ा है। पता है मुझे इसके बारे में, पता है। ओ, पता है क्या? वो क्या करना चाहिए? ठीक भी हो सकता है। आप क्या बात कर रहे हो? कैसे है तो बता दो, हम लोग को फिर हीरोइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस 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 यस। मुझे कुछ सामग्री चाहिए रहेगी तो मैं वो लेके आता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम वेट करते हैं। मैं साइंटिस्ट के पास जाता हूँ, उससे बुक लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, क्या लगता है तुम लोग को, क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर कैनी आ गया ना भाई, तबाही मचा देगा वो। यार रे बहुत सुधर गया यार, मुझे तो पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि सब इतना हेल्प कर सकता है। अगर कैनी जाग गया तो हमारी बहुत मदद कर सकता है, और आखिर काश मैं अपने कैनी से बात कर सकता हूँ। ये ऐसा ना हो जाए कि जागने बाद हम पर अटैक करने लग जाए, क्योंकि उसको कब से है ना कंट्रोल कर रहा था, इसलिए क्या पता अभी भी उसके माइंड में वही सब चल रहा हो। नहीं यार, जेनेसिस तो अभी मर चुका है यार, अभी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। हम होप करते सब कुछ सही जाए। अबे आ गया, रे आ गया। तो बताओ रे क्या चाहिए? ले लो बुक। अभी इसमें से जो तीन चीज है वो तो ऐसे ही मिल जाएगी, पर जो पहला और तीसरा चीज है उसके लिए हमें एक जगह जाना पड़ेगा। ओह, मतलब ये मिलना मुश्किल है क्या? हाँ प्रोबोस, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे एक क्रिएचर है जिसका नाम डिलेमा है और वो उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओ भाई, इसका मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग उसको हराना पड़ेगा क्या? हरा लेंगे यार, उसकी टेंशन मत ले। अभी हम जाते हैं, वो तो आसान रहेगा। हाँ, हमारे पास कड़क वेपन्स है। आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पे जितना नेचर है जैसे कि ट्री, वो सब भी तो हमला करेगा हमारे ऊपर। तो एक काम करो, देखो ये सब सामान आने के बाद क्या आप 100% श्योर हो गए आप ठीक कर दोगे उसे? जरूर, अगर वो बंदा उतना स्ट्रांग है ना डिलेमा, तो हम लोग हीरोइन की हेल्प ले सकते हैं उसको हराने के लिए, और हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा, एंड देन हम लोग फिर से जिंदा कर सकते हैं कैनी को। यस, कैसा प्लान है? बहुत ही अच्छा प्लान। हाँ प्लान तो बहुत अच्छा है, हम लोग हीरोइन का जो सेकंड विश का हेल्प है वो ले सकते हैं। हाँ तो यही करना पड़ेगा हम लोग को। और हाँ गाइस, तुम सब लोग है ना एक चीज का ध्यान रखना कि ये बात है ना सिर्फ अपने तक ही रहे, किसी को भी मत बताना, क्योंकि अगर शेंग तक ये बात पहुंच गई कि कैनी अभी तक जिंदा है तो फिर भाई समझो सब कुछ खत्म, हमारा सारा प्लान चौपट होने वाला है। इसलिए ये प्लान को ना एकदम सीक्रेट रखते हैं, ठीक है? ये होगा हमारा सीक्रेट प्लान। यस, तो चल रे बता कहाँ पे जाना है और कैसे मारना है उस डिलेमा को। चलो मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी पहुँच गए हम लोग बस। आगे कितने बड़े बड़े पेड़ है भाई साहब, वो फॉरेस्ट है तो बहुत डेंजर लग रहा है रे। ये प्रभु जी वही जगह तो नहीं है वो? कौन सी वाली? आदिवासी लोग। अरे यार वो ना, वो बस पता है ना क्या हुआ था भाई पिछले एपिसोड्स में, भाई वो नूब लोग है, वहाँ पे नहीं जाना है भाई। ए रे पक्का ना यहाँ पे मिल जाएगा हमें जो भी हमें सामान चाहिए? पक्का मिल जाएगा सैमुअल। अभी हीरोइन क्या कर रहा है? वो ये कब से पीछे आ रहा था भाई, ये कभी भी आ जाता है, ये गोचू मार भी नहीं पा रहा हूँ। ओके चलो इसको रहने देते हैं और चलते अभी हम लोग। हाँ मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। हाँ चल चल। अरे सैमुअल देख रहे हो ना, कैनी को बचाने के लिए जो भी सामान चाहिए यहाँ मिलने वाला है। हाँ बहुत अच्छी जगह है, चलो चलते। यार अच्छी जगह है यार, मेरे को तो यहाँ पे डर लग रहा है बहुत। हाँ संभल के रहना प्रो बॉय सब लोग, क्योंकि आगे मॉन्स्टर्स होंगे। ओके लेट्स सी, चलो जल्दी आओ। रुको, क्या सैमुअल? मुझे कुछ तो सेंस हो रहा है। क्या सेंस हो रहा है आपको? पता नहीं कुछ तो हो रहा है। यार ये क्या बोल रहा है, गड़बड़ ना हो बस। मुझे फिर से डार्क एनर्जी महसूस हो रही है। डार्क एनर्जी? एक मिनट, नहीं प्लीज। इसका मतलब ये तो नहीं, ये तो ऑक्युलस की सेंस है। क्या बोल रहे हो? ऑक्युलस? नो, अरे दाई रुक जा, संभाल के तू थोड़ा पास खड़े रहो। ओह शिट यार, अभी हम लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा एकदम, क्योंकि ऑक्युलस कहीं से भी आ सकता है। ओह शिट, व्हाट गाइस, ऑक्युलस का से भागो, पीछे भागो, भागो। अब क्या होगा? अब सब लोग खत्म, सब खत्म। अरे एक मिनट, हमारे पास अभी तक दो विषय है। यस, इसे विष मांग प्रो बॉय जल्दी से। हीरोइन, इसे खत्म कर दे।